अब हम आपको एक ऐसे मंदिर लेकर आए हैं जिसकी खूबसूरती की व्याख्या शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, और वो मंदिर है बेलगछिया उपवन दिगंबर जैन मंदिर। मंदिर दर्शन क्रम में वहाँ जिंदगी की टीम पहुँच चुकी है कोलकाता के बेलगछिया स्थित श्री दिगंबर पार्श्वनाथ उपवन जैन मंदिर में। ये मंदिर बहुत ही अतिशयकारी और भव्य है, तो चलिए दर्शन करते भगवान के और जानते इस मंदिर के इतिहास के बारे में। इतना अद्भुत खूबसूरत और विशालकाय मंदिर शायद ही कोलकाता में दूसरा कोई होगा। ये मंदिर वास्तुकला शिल्प का एक अद्भुत नमूना है। मैं इस मंदिर में आई तो मन को इतनी शांति मिली और ये मंदिर इतना भव्य है। मैं आपसे इस मंदिर का इतिहास जानना चाहूँगी। ये मंदिर करीब 250 साल आज हो गए हैं बने हुए। 1787 में बना हुआ था, और इस मंदिर की जो भव्यता देख रहे हैं, इनके जो कारीगर हैं जिसने विक्टोरिया मेमोरियल बनाया है, उसने ये 1857 में बनाया था। मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ के कण कण पर निगाहें टिक जाती हैं। हमने जब मंदिर में प्रवेश किया उस दौरान मंदिर में आरती हो रही थी और सभी भक्तों का उत्साह देखने लायक था। मंदिर में कुल 9 प्रतिमाएं हैं और मूल नायक के रूप में भगवान पार्श्वनाथ की मनोहारी प्रतिमा है, साथ ही साथ सिद्ध भगवान की भी प्रतिमा है। मंदिर को काफी व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। कई भक्तगण मंदिर में नित नियम से रोजाना दर्शन करने आते हैं। आप इस मंदिर से कब से जुड़े हैं? मैं यूं तो इस मंदिर से बचपन से जुड़ा हुआ हूं, और इतना जुड़ाव है कि आज भगवान ने हमको अपने बगल में ला के बसा लिया है। मैं मंदिर के एकदम बगल में ही रहता हूं। पूरा परिवार हमारा मंदिर रोज दर्शन करने आता है और पूरा जुड़ाव है। कोलकाता शहर में जितने भी चातुर्मास संपन्न होते हैं वह प्राय इसी मंदिर में होते हैं। बेलगछिया उपवन मंदिर, क्या इस मंदिर में साधु संतों का आगमन होता है? हाँ, सन 2000 में यहाँ सबसे पहले 3 आचार्यों का आगमन हुआ था। उसमें पुष्पदंत सागर जी थे, संभव सागर जी थे और बासपू जी सागर जी थे। यहाँ पुष्पदंत सागर जी का चातुर्मास हुआ था। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के 2 चातुर्मास यहाँ हो गए हैं। सुपार सागर जी का 5 चतुर्मास यहाँ हो गया है, और उसके बाद उनका समाधि यहीं पे हुआ था बेलगछिया में। कई भक्तगणों का तो इस मंदिर से बचपन से जुड़ाव है। इस मंदिर से आप कब से जुड़ी हैं और इस मंदिर से आपको कितनी आस्था है? इस मंदिर से मैं बचपन से जुड़ी हूँ। इस मंदिर में मुझे बहुत ज़्यादा आस्था है इस मंदिर में। पुरुष महिला के साथ ही साथ युवा पीढ़ी का भी जुड़ाव इस मंदिर के प्रति अपार है। आपका मंदिर के प्रति कितनी रुझान है? मुझे मंदिर के प्रति बहुत आस्था है, एंड मैं अपने दिन की शुरुआत मंदिर का दर्शन करके ही करता हूँ। आप? हम बहुत लकी हैं कि हमारे घर के सामने ही मंदिर है और मैं रोज मंदिर का दर्शन करता हूँ। मंदिर के द्वारा कई महिला संस्था भी चलती हैं, जिसके द्वारा समय समय पर परोपकारी कार्य संपन्न होते रहते हैं। बेलगछिया उपवन मंदिर, आप सब महिलाएं इस मंदिर में सिर्फ पूजा पाठ में ही जुड़ी है या कुछ अन्य कार्य सामाजिक भी करते हैं? नहीं, हम यहाँ दर्शन करते हैं और बेलगछिया मंदिर से हमारी असीम श्रद्धा है, और हमारे कई महिला मंडल हैं जैसे पारस मंडल, भक्तामर जी मंडल, जैन भैल महिला भक्त भजन मंडली, उन मंडलों के द्वारा हम लोग समाज के बहुत अच्छे काम भी करते हैं। उनमें हम सहयोग देते हैं, कभी ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। अगर आप भी लाल रंगों से रंगे इस विशाल और मनमोहक मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आज ही यहाँ आइए और इस खूबसूरत मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।